मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने क्षय रोग जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद में क्षय रोगियों की खोज हेतु सक्रिय खोज अभियान का यह चरण 18 जून से 28 जून तक चलाया जाएगा। रथ को जनपद के सभी विकास खंडों के चयनित ग्रामों में जहां सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संचालित किया जा रहा है और टीबी रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील स्थान है, वहां जाकर लोगों में टीबी रोग से बचाव और उसके उपचार के तरीके की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक धर्मवीर प्रताप सिंह, डॉक्टर विराट सौरभ श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एएन मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह सहित अन्य डॉक्टरगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, सघन टीबी खोज अभियान आपके शहर में 18 जून 2018 से भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, टीबी की खुराक न छूटे, पर ध्यान रहे तो पसीना न, भूख न लगना। पुनरुच्चित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सघन क्षय रोग खोज अभियान अपने गोरखपुर जनपद में 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलाया जाएगा, जिसमें कि मैं अपनी गोरखपुर के जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे कि हमारे टीबी क्षय रोग के मरीजों का समय से जांच और इलाज चल सके, जिससे कि हमारा जनपद टीबी मुक्त क्षय रोग मुक्त हो सके। और इसके लिए हमारे यहाँ जो गोरखपुर जनपद के 10% पॉपुलेशन की ही स्क्रीनिंग हर एक्टिव केस फाइंडिंग में किया जाता है, इस बार भी जो है 488,284 पब्लिक की जो है स्क्रीनिंग होगी, जिसके लिए 220 जो है हमारी टीम बनी हुई है, उसके लिए 660 हमारे जो है टीम मेंबर हैं, और जो है 49 यानी 49 जो है हमारे जो है सुपरवाइज़र लगे हैं, और 21 जो है हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, MOTC जो कहलाते हैं। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस हमारे खोजे जाएं, और ऐसे क्षेत्र में हमारी टीम लगी हुई है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होता है कि टीबी के मरीज मिलें, आउटरीच एरिया हो, इंडस्ट्रियल होता है, स्लम एरिया है, ऐसे एरिया जहाँ के टीबी के मरीज ज़्यादा निकले हैं, ऐसे ही क्षेत्रों में हम अपनी टीम को भेज करके अपने गोरखपुर जनपद को टीबी से मुक्त कराने के लिए सर्च अभियान, सघन टीबी खोज अभियान चलाया जा रहा है। और मैं यहाँ के सम्मानित जनता से, बुद्धिजीवी जनता से जो भी हैं, मैं चाहूँगा इसमें सक्रिय सहयोग दें, जिससे कि हमारा जनपद 100% टीबी मुक्त हो सके। ये टीबी रोग के ग्रसित व्यक्तियों के ढूंढने का एक एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चल रहा है, जो 18 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। उसी के लिए एक अभी हमने वैन रवाना की है। ये वैन विभिन्न गांवों में जहां से हमें केसेस मिलने की उम्मीद है या जहां पे हमारे प्रेवलेंस रेट ज़्यादा है, वहां पे जाएगी और लोगों को बताएगी कि टीबी के लक्षण क्या हैं, और ऐसा कोई लक्षण हो तो उससे छुपाए नहीं। हमारा इस अभियान के दरमियान टारगेट पॉपुलेशन का 10%
परसेंट होता है, जो करीब 483,000 केसों का स्क्रीनिंग करने का और उनमें से टीबी के मरीजों को ढूंढ निकालने का कार्य चलेगा। घर घर हमारे टीम के लोग सदस्य जाएंगे और टीबी के लक्षण वाले लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी जाँच करेंगे और जो पॉजिटिव होंगे उनका तुरंत हम लोग नेक्स्ट डे से ही इलाज शुरू कर देते हैं। जो हमारा पिछला अभियान चला था उसमें इसी तरह से हम लोगों ने किया था और 151 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे जिनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सब प्रशिक्षित हैं।